तो गाइस अभी हम खदुंगला पास से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा कम है। साथ वाले जो लड़के हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना यहाँ पर। तो गाइस ऐसे ऐसे पहाड़ आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, बहुत बर्फ़ पड़ती है, गाड़ी बहुत ही सोच समझ के यहाँ चलानी पड़ेगी। तो गाइस देख सकते हो मुझे पूरा कोल्ड का असर हो चुका है मेरे ऊपर, तड़िया की बॉडी के ऊपर। पहले रुक जा, नींद आ रही है, नींद। कई बार तो ऐसा हुआ कि नींद के झोंके से आ गए हमें, बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सामने आप देख सकते हैं, सामने का जो व्यू तो बहुत ही प्यारा है। ये छोटा है और जो इससे बड़ा है वो सामने खड़ा है। चाहिए कोई रसमल दिया है पीने के लिए? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी हम लोग हैं इस टाइम खदुंगला पास के टॉप के ऊपर, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहां से सीधा नूबरा वैली के लिए। तो गाइस अभी हम खदुंगला पास से निकल रहे हैं क्योंकि यहां पर 20 मिनट से ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं है। आप मैक्सिमम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रुक सकते हैं, 20 मिनट से ज़्यादा आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा कम है और मेरे सर में इतना दर्द होने लगा है गाइस मैं आपको बता नहीं सकता। तो साथ वाले जो लड़के हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना यहाँ पर, और सांस भी लंबी लंबी लेनी पड़ रही थी हम लोगों को। तो फाइनली अभी हम खदुंगला टॉप से नीचे उतरने लगे हैं और अब हमारा जो सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से खदुंगला टॉप से नूबरा वैली के लिए। और जो नूबरा वैली यहाँ से पड़ेगी मैक्सिमम 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पड़ेगी, जो यहाँ से टाइम लेने वाले हैं नूबरा वैली तक वो मैक्सिमम 4 घंटे लग जाएगा हमको पहुँचने में। देख सकते हैं यहाँ पर भी स्नो पड़ी हुई है और पूरा स्नो जमा पड़ा है यहाँ पर भी। तो गाइस ऐसे ऐसे पहाड़ आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। जब विंटर्स आती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत बर्फ़ पड़ती है। गाइस अभी ये भी काफ़ी बर्फ़ यहाँ जमी पड़ी है, जो वाटरफॉल है वो बन जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे रोड के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी पड़ी है। और गाइस देख सकते हैं आप सामने के जो नज़ारे हैं बहुत ही प्यारे हैं, और देख सकते हैं पूरी पहाड़ी एरिया जो दिख रहा है बहुत ही प्यारा है और सामने पूरा स्नो कित से जमे पूरे पहाड़, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही प्यारी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवेंचर का जो असली मज़ा है वो लेह से खदुंगला पास के लिए जब हम ऊपर के लिए जाते हैं। तो गाइस ऐसे ऐसे पहाड़ आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं क्या नज़ारा है, बहुत ही प्यारा ऑसम व्यू है यहाँ का। तो गाड़ी बहुत ही सोच समझ के यहाँ चलानी पड़ेगी क्योंकि तो ज़्यादा से ज़्यादा रोड जो है वो ऑफ रोड मिलेगा यहाँ पर। तो भाई देख सकते हैं आप जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ पहाड़ आपको बर्फ से ढके मिल रहे हैं। तो भाई देख सकते हैं मुझे पूरा कोल्ड का असर हो चुका है मेरे ऊपर, क्योंकि एक तो ठंडी ऊपर से ऑक्सीजन लेवल डाउन, कोल्ड हो चुका है पूरी तरीके से। गाइस अब आके थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ा नीचे आए हैं और धूप पड़ी है बॉडी के ऊपर, तब जाके थोड़ा बॉडी को थोड़ा सुकून सा मिला है। गाइस अभी हम फाइनली पहुंचने वाले हैं नॉर्थ किलो, और यहाँ नॉर्थ किलो पे हम लोग थोड़ा देर आराम करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बाइक नहीं चलाई जा रही है बिकॉज ऑक्सीजन डाउन की वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बाइक की तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो गाइस पहले यहाँ नॉर्थ किलो में रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे कि क्या कंडीशन है, पहले यहाँ कुछ देर आराम करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ। ले ले रुक जा, सबसे नीचे आ गए और नीचे जाना अभी नीचे जाना होगा।
नींद आ रही है, नींद थोड़ा आराम कर ले भाई, पहाड़ पे नींद के चक्कर में भाई दिक्कत हो जाएगी। वही तो तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अभी हमने जो पास क्रॉस किया है, पूरा पास जो क्रॉस किया है, रास्ते में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि हमारा सर भारी होने लगा और हमें नींद आने लगी। जितने भी थे हम पांच के पांच, सबको हमें नींद आने लगी एकदम। और कई बार तो ऐसा हुआ कि नींद के झोंके से आ गए हमें, बट थोड़ा कंट्रोल किया। अब हम नीचे थोड़ा उतर चुके हैं, नीचे उतर नॉर्थ पुलू में हम आ चुके हैं, और नीचे उतरने के बाद में अब थोड़ा सा फ्रेश हुआ है मूड थोड़ा सा, और दिमाग भी थोड़ा सा सुन हो के थोड़ा सा ठीक हुआ है, वरना हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी बीच में। तो पानी वगैरह पीते रहें गाइस। इधर की साइड में खरदुंगला पास की तरफ अगर आप क्रॉस करें तो बहुत ध्यान से क्रॉस करें, अगर नींद वगैरह आए या चक्कर आए तो तुरंत गाड़ी रोक लें, बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और दूसरी बात ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस। फाइनली हम आ चुके हैं खारदुंगला पास से नीचे उतर के, तकरीबन 5-6 किलोमीटर कोई गाँव है। बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ी है, बिकॉज लेवल बहुत ज़्यादा कम था, तो नीचे जब बाइक चला रहे थे यकीन करना कि नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बाइक पर बस चलाते जाते ही सो जाओ। और अभी मेरा जो छोटा भाई है उसको तो इतना हेडेच हो गया है कि मतलब उसको इतनी नींद आ रही है कि अभी वो बैठ गया है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं नीचे की साइड में, तो ये नीचे की साइड में कुछ एक नदी रिवर बह रही है जो बहुत ही प्यारी है, और सामने आप देख सकते हैं सामने का जो व्यू है बहुत ही प्यारा है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि अभी हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ी देर रुकने के बाद में निकलेंगे अपने मंजिल की ओर नुब्रा वैली के लिए। और गाइस मैं आपको बस दिखाता हूँ यहाँ के जो कितने बड़े बड़े बाल हैं, बहुत ही प्यारे देखने के में देखने में। ये देख सकते हैं आप, कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ, अरे कहाँ भाग रहे हो, अरे हेलो हेलो हेलो, अरे रुक जाओ भाई। तो गाइस देख सकते हैं ये बहुत जल्दी में है, लग रहा है नूरा वैली हमसे पहले पहुंच के मानेंगे ये। तो ये चल दिए अपने सफर की तरफ नूरा वैली, हम इनके पीछे पीछे ही हमारे आगे आगे। तो गाइस देख सकते हैं ये हैं यहाँ के यक, जो पहाड़ी भैंसे कहलाते हैं, और इनके काफ़ी बड़े बड़े बाल भी हैं, और बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और एक ये छोटा है, और जो इससे बड़ा है वो सामने खड़ा है। तो गाइस हम लोगों को कम से कम यहाँ नॉर्थ फ्लो में 1 घंटा हो चुका है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलने की करते हैं कोशिश, क्योंकि भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर भाई की तबीयत सही होती है तो फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा नूबरा वैली के लिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे आगे। अरे चले, अभी भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बंदे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, वेंचर हमें फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो चुकी है बेचारे की। ले लो प्रोडक्ट दे सकते हैं, बोतल में घोल के दे दे, चाहिए ले पी। इसमें पानी और डाल ले, अपनी बोतल में से डाल ले, पूरी भर ले इसे, पूरा मिला ले, पूरी बोतल भर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोल का पाउच फाड़ के डाला है हमने, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, इलेक्ट्रोल ग्लूकोन डी ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी हैं। देखने में भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, और अभी इसको इलेक्ट्रोल दिया है पीने के लिए जो थोड़ा फील बेटर करे, ये रेस्ट करे थोड़ा और देख ले थोड़ा। हाँ कितने मिनट हो गए, देखिए कैसा फील हो रहा तुझे। क्या लिख के आ रहा था। तो भाई भाई को बहुत दिक्कत हो रखी है, अब सांस लेने में दिक्कत हो नहीं हो रही ना।
आराम ही करवा लेते किसान अभी। पहले तो आराम कर ले, प्रेशर थोड़ा और कर ले। थोड़ा आगे और रुक जाएंगे थोड़ी बहुत देर के बाद में, अगर देखेंगे गलत करोगे ना तो बता देना, रुक जाएंगे। इसको एक काम कर, टैबलेट दे इसको। कौन सी टैबलेट देगा? उल्टी की और दे दूं टैबलेट? हां उल्टी की टैबलेट मैंने भी रुक जाए। ये कौन सी है? नॉर्मल हो जाएगा। इसे साथ में रख ले अपने बॉटल को, दूसरी वाली बॉटल में संभाल के रख ले। तो गाइस अभी तबीयत खराब है, लेकिन निकलते हैं आगे के लिए क्योंकि सफर लंबा है और आगे पहुंचना भी है। तो मिलते हैं हम आपसे आगे चलते। चलो।